हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सीढ़ियों के लेवल कैसे निकाले जाते हैं, इस वीडियो में हम आपको आसान और सरल शब्दों में बताएंगे विद प्रैक्टिकल। आप वीडियो को पूरा देखना और समझ कर देखना, जिससे आपको समझ में आ जाए कि सीढ़ियों की लेवल कैसे निकाली जाती है। सीढ़ियों की लेवल निकालने से पहले हमें ये कन्फर्म देख लेना है कि सीढ़ियाँ बराबर चढ़ी हुई है या नहीं चढ़ी हुई है, कोई छोटा स्टेप तो है नहीं। लैंडिंग पे यहाँ पे छोटा स्टेप है, उसको किस तरीके से काउंट करना है लेवल निकालते वक्त, इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे। जो सीढ़ियाँ चढ़ी हुई है दोस्तों, वो टोटल 23 स्टेप चढ़े हुए हैं। उस छोटे स्टेप को भी हम हाइट में डिवाइड करेंगे तो टोटल जो स्टेप चढ़े हुए हैं वो 23 स्टेप चढ़े हुए हैं, 23 स्टेप्स। और जो सीढ़ियाँ चढ़ा रहे हैं दोस्तों, सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर की ओर सीढ़ियाँ आ रही है ये, और थर्ड फ्लोर पे बस लास्ट फ्लोर है ये, इसके बाद कोई छत नहीं है, कोई फ्लोर नहीं है। और ये जो हमारी लैंडिंग है बिल्कुल ही सेपरेट है, तो उसको हम हमारे सही सही इसमें माल देंगे। लगभग 3 ग्रेनाइट के टुकड़े रखे हैं हमने, जिसमें एक तो ग्रेनाइट की फ्लोरिंग हो जाएगी और लगभग पौन और पौन डेढ़ इंच का हमारा लैंडिंग पे माल हो जाएगा। उस तरीके से हमें वाटर लेवल को अच्छे से भर के, एयर नहीं होना चाहिए वाटर लेवल में, भर के मार्किंग कर रहे हैं दोस्तों। मार्किंग हमें हमारे हाइट के अनुसार करनी है, जहाँ तक हमारा नज़र और हाइट प्रॉपर वाटर लेवल को, जहाँ पानी है वहाँ पे नज़र आ रहा है, तो उस हिसाब से हमें लेवल पर मार्किंग करनी है। हाइट के अनुसार मार्किंग होने के बाद हमें एक और पॉइंट आगे लगाना है, तो हमारी हाइट के अनुसार हम उसको लेस करेंगे। 50 इंच हमने लेवल निकालने के बाद लेस कर दिया, इसको हम बाद में जोड़ेंगे दोस्तों। तो 50 इंची लेस करने के बाद सेकंड जो मार्किंग कर रहे हैं वो हम मार्किंग कर रहे हैं अपनी हाइट के अनुसार, जहाँ तक हमारी हाइट है, जहाँ तक हम आराम से मार्किंग कर सकते हैं, उस हिसाब से हमें मार्क करना है। उसके बाद हमने 50 इंची और लेस किया है। ये दोस्तों ध्यान में रखने वाली बात ये है कि हमारे हाइट के अनुसार ही पॉइंट लगाना है, जिससे हम इजी मार्किंग कर सकें और पानी के लेवल को देख सकें, वरना दिक्कत आ सकती है। तो ये जो लास्ट मार्किंग हो रही है, जहाँ पे हमारी सेकंड फ्लोर पे फ्लोरिंग जो लगी हुई है, वो गली की फ्लोरिंग लगी हुई है, वहाँ पे हम मार्किंग कर रहे हैं, यहीं से हम सीढ़ियाँ चालू करेंगे। तो 38 इंच मार्किंग आया दोस्तों, इन सब को हम प्लस करेंगे। हमने 50 इंची लेस किया था और एक और 50 इंची लेस किया था, और जो हमारी लास्ट मार्किंग आई है वो 38 इंची, इन टोटल की प्लस जोड़ करने पर 138 इंची टोटल हाइट आई है दोस्तों। अब इस हाइट को हमें 23 स्टेप में डिवाइड करना है, 23 में इसका भाग देना है। तो दोस्तों इसमें 23 का भाग एक बार 6 से गुणा करने पर देख लेते हैं, इसमें 138 आता है या नहीं आता है, वो कैलकुलेशन करने पर देख लेते हैं। तो इसमें 6 का भाग बराबर पूरा गया है दोस्तों, 138 इंच आ गया, तो हमारा जो स्टेप बनेगा वो लगभग 6 इंची उसकी हाइट रहेगी, स्टेप्स की जो हाइट रहेगी वो 6 इंची रहेगी। तो जो हम डिज़ाइन चढ़ा रहे हैं दोस्तों, डबल मोल्डिंग की डिज़ाइन चढ़ा रहे हैं, 6 में लेस करने के बाद 4.5 और एक सूत का जो रेज़र की कटिंग होगी दोस्तों, राइज़र की। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करके रेज़र का नाप निकालना है और सीढ़ियों के अनुसार हमें डिवाइड करना है दोस्तों। इस तरीके से रेज़र कटिंग करके दोस्तों स्टेप बनाना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने जो आपको वीडियो में जानकारी दी है समझ में आ गई होगी। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, इस तरीके से हमारे स्टेप्स चढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।